दूरदर्शन, दो शब्दों से बना मिलकर है, जिसका अर्थ है दूर की वस्तु का दर्शन। दूरदर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूर की वस्तु का दर्शन। रेडियो द्वारा जहां हम किसी घटना के बारे में सुन ही सकते थे, वहां दूरदर्शन के द्वारा एक ही समय पर देखा और सुना जा सकता है। रेडियो द्वारा जहां हम किसी घटना के बारे में सुन ही सकते थे, वहीं दूरदर्शन के द्वारा एक ही समय पर देखा और सुना जा सकता है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत दिल्ली में प्रथम केंद्र की स्थापना के साथ हुई। स्थापना के साथ हुई। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत दिल्ली में प्रथम केंद्र की स्थापना के साथ हुई। अब तो देश के कोने लगभग प्रत्येक शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हो चुके हैं। अब तो देश के लगभग प्रत्येक शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हो चुके हैं। दूरदर्शन मानव जीवन में अत्यंत लाभकारी उपकरण सिद्ध हुआ। यह शिक्षा का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। यह शिक्षा का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन मानव जीवन में अत्यंत लाभकारी उपकरण सिद्ध हुआ। यह शिक्षा का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन पर विभिन्न संस्थानों
द्वारा प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम विज्ञान, कृषि, संगीत, चिकित्सा आदि की नवीनतम जानकारी से लोग पर्याप्त लाभ उठा रहे हैं। दूरदर्शन पर विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम विज्ञान, कृषि, संगीत, चिकित्सा आदि की नवीनतम जानकारी से लोग पर्याप्त लाभ उठा रहे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों का प्रसारण जहां देखने वालों को नवीनतम ज्ञान प्रदान करता है, वहीं उन्हें विश्व से भी जोड़े रखता है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों का प्रसारण जहां देखने वालों को नवीनतम ज्ञान प्रदान करता है, वहीं उन्हें विश्व से भी जोड़े रखता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।